अस्सलाम वालेकुम K2 टीवी दुबई लाउंज की तरफ से सबको ईद अल अदा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक, ईद अल अदा मुबारक। इन अदर वर्ड्स मीठी ईद। मीठी ईद वो नहीं है कि मिठास, मीठी ईद छोटी ईद को बोलते हैं। नहीं जी, मीठी मतलब मीट, गोश्त। दैट्स सो लेट। आई एम द क्वीन ऑफ क्रिंज बाय द वे। वेलकम, मैं आप सबको तहे दिल से वेलकम कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है K2 टीवी पे स्पेशली पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानीज इन दुबई, इन द UAE, मिडल ईस्ट में जितने भी होते हैं, हम सब इकट्ठे होते हैं एक फैमिली की तरह। नॉर्मली हम लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, अलग अलग हॉल्स में जाते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं ना जिसमें शादियों वाला माहौल। माशाल्लाह ये महफिल लगी रहेगी। असफर साहब जी, सर जी साहब, मैंने कहा जी साहब, क्या बोलूं मैं, मेम साहब, मेम साहब, हुकुम कर, मेम साहब हुकुम कीजिए, हुकुम कीजिए, हुकुम का प्रोग्राम। एक अच्छा सा गाना हो जाए। बिल्कुल हो जाए जी, गाना हो जाए, बिल्कुल हो जाए जी गाना। कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी घर पे बहुत होगी है। एक बड़ा खूबसूरत पाकिस्तानी सॉन्ग है, वो आप सबको डेडिकेट करते हैं। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत बदवाले सी, नाजुक सी शर्मीले सी, मासूम सी भोले भाले सी, रहती है वो दूर कहीं, पता पता मालूम नहीं। कोकोकोरीना 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 कोकोकोरीना, अरे मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाले, नाजुक सी शर्मीले सी, मासूम सी भोले भाले सी, रहती है वो दूर कहीं, पता पता मालूम नहीं। को को करीना को को करीना को को करीना। अरे झील करिया के जिसकी चूल था जिसका चेहरा, काली जुल्फे नाकन बन कर देती का जिस पे पैरा, झील करिया के जिसकी फूल था जिसका चेहरा, काली जुल्फे नाकन बन कर देती का जिस पे पैरा, वो कह दे का मुझसे मैंने शायद, कह दे का मुझसे मैंने शायद देखा है तुमको कहीं। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाले सी, नाजुक सी शर्मीले सी, मासूम सी भोले भाले सी, रहती है वो दूर कहीं, पता पता मालूम नहीं। को करीना को करीना को करीना को करीना। कल फिर मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबरा हूँ देख के उसको वो मुझसे शर्माए, हो सकता है कल फिर मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबरा हूँ देख के उसको वो मुझसे शर्माए, वो पूछेगा दिल पर मैंने शायद, पूछेगा दिल पर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाले सी, नाजुक सी शर्मीले सी, मासूम सी भोले भाले सी, रहती है वो दूर कहीं, पता पता मालूम नहीं। को करीना 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 को करीना। अच्छा अलवीना, मेरे शो की एक खासियत है, जब असफर सिंग्स इनकी सॉन्ग्स जो होते हैं ना, हिज सॉन्ग्स आर ऑल अबाउट, एक बंदी आ रही है, पता नहीं कौन सी बंदी को बुला रहा है, पता नहीं अभी भी कुक करीना के बाद क्या बोल रहे थे, कौन सी लड़की आ रही, कोई हसीना आ रही है, नहीं नहीं नहीं, सब भाइयों की बहन आ रही है।
नहीं वैसे मेरे मुझे मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं कोई भी बात करती हूँ वो सबलिमिनल हो जाती है, हालांकि मेरी नीयत साफ होती है लेकिन वो बात सबलिमिनल हो जाती है, ड्वेल मीनिंग, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है. मैं पूरी दुनिया में तो नहीं कहूँगी लेकिन बहुत सारे ममालिक में और सब कॉन्टिनेंट में मेरा वायरल होने का जो नतीजा था वो भी यही था. मेरी हंसने की नीयत गलत ऑडियो को फिक्स कर लेते हैं. मेरी हंसने की नीयत गलत नहीं थी लेकिन वो पूरी दुनिया को मेरी हंसी बहुत गलत लगी. उस पर हम बाद में बात कर लेंगे. अच्छा ओके, आई नीड टू नो दैट. बिल्कुल नहीं माशाल्लाह. इज दिस योर फर्स्ट ईद इन दुबई? दुबई में ये पहली ईद है आपकी? एज अ टूरिस्ट तो मैं इससे पहले कई बार आ चुकी हूँ लेकिन क्योंकि परमानेंटली अब मैं यहाँ पे मूव हुई हूँ, सितंबर 2022 में मैं आई हूँ, तो उस तरह से फिर दूसरी ईद है, पहली ईद नहीं. लेकिन पहली ईद भी जो है कंपैरेटिवली अपने पाकिस्तानी दोस्तों की वजह से अच्छी हो गई और वो लकीली आ गए. लेकिन अच्छा, यू छोटी ईद पे आप यहीं पे थी? जी जी, सितंबर 2022 को मैं आ चुकी थी. अच्छा, पाकिस्तान में और यहाँ की ईद में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? देखिए एक डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है. डिफरेंस की जब हम बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बेशक जितने भी हालात ख़राब हों लेकिन अपने लोग होते हैं और अपनाइयत होती है. लेकिन अच्छा. अगर हम ओवरसीज़ की बात करते हैं, किसी भी अगर मुल्क की बात करते हैं, तो वहाँ पे बाकी लग्जरीज तो बहुत होती हैं लेकिन अपने नहीं होते. लेकिन खैबर टीवी और K2 का मैं इसलिए शुक्रगुजार मैं हूँ उनकी और हम सब शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये माहौल, मतलब मुझे भी शुक्रगुजार होना पड़ेगा. ज़रूर आपको भी होना पड़ेगा. लेकिन K2 और खैबर टीवी ने जो है यहाँ पर पाकिस्तान की पेनिट्रेशन को पॉसिबल किया है. पाकिस्तानी रेस्टोरेंट को सेलेक्ट करना, पाकिस्तानी इन दुबई सारे आसपास होना, तो ये बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत बात है. ये मुझे बहुत अच्छी लगी और इसी वजह से मैं कह रही थी जमरुद बुनेरी को कि मैं अपनी फैमिली के साथ आना चाहती हूँ, वाई नॉट विद माई मदर, क्योंकि वो भी मिस करती है पाकिस्तान का एलिमेंट. जी जी नहीं, KTU की खासियत यही है. आई वुड से कि हम लोग गानों से लेके असवर इस बात के ऊपर भी, हम लोग गानों से लेके इवन जो टैलेंट है यहाँ का, मोस्टली पाकिस्तानी टैलेंट को हम लोग बहुत प्रमोट करते हैं. बहुत ज़बरदस्त बात है. और मुझे हम सब काफ़ी सारे लोग पहली बार मिल रहे हैं. डू यू नो हाउ आई केम टू K2? हाउ? कामरान सर एंड जवाद सर, दे एक्चुअली गॉट मी फ्रॉम सोशल मीडिया. मुझे ट्रेन किया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ी होकर बात करूँ. बट ऑन अ सीरियस नोट, दे ट्रेन्ड मी, दे वांटेड मी, दे सॉ पोटेंशियल और वो पोटेंशियल को उन्होंने मेक श्योर किया कि लाइक यू नो आई कम आउट ऑन दिस प्लेटफॉर्म. यानी मेरिट, एक तो मेरिट वाली बात है, मेरिट को प्रमोट करते हैं ये दोनों. कौन मेरिट है? मेरिट, एम ई मेरिट. ओके, मैं समझी मेरिट एम ए से नहीं. आप अपनी बताएं, आप तो शादीशुदा है ना? नहीं नहीं. ठीक है, ये आपके शौहर देख लेंगे फिर. मैं ये शो हाइड करने वाली हूँ. एनीवे हमारी जो चहल पहल है, जो हमारे यहाँ पे दोस्त बैठे हुए हैं, उनके लिए हम लोग सिंगर्स, बहुत सारे सिंगर्स हैं हमारे पाकिस्तान के और बहुत सारे ऐसी ऐसी आवाज़ें हैं जो हम लोगों ने बहुत सारी शोज़ में भी उनको लेके आए हैं. दे वेरी फेमस एवरीवेयर, स्पेशली इन आर यूट्यूब की साइट पे एंड ऑल दैट. उनमें से एक हमारे साथ बैठे हुए थे, कहाँ हैं वो? हाँ, वो हमारे साथ बैठे हैं. मैं उनके जैसे में आई, उनकी एक स्वीट सी स्माइल थी, मैंने जाके पहले से उनको सलाम भी किया. तो बहुत सारे सिंगर्स दिख रहे हैं. हाँ, बहुत सारे हैं लेकिन एवरीबडी. अच्छा, आप भी हो? हाँ. लेकिन मैं जिसको बुलाने वाली हूँ, ही इज़ समबडी हु इज़ एक्चुअली कम आउट फ्रॉम द पश्तून साइड और मतलब एक ऐसे लेवल पे आया है कि उन्होंने एक मिक्स बनाया है विद पर्शियन. या लाइक यू नो, एक कुशन बनाया हुआ है वे यू हैव बोथ लैंग्वेजेस इन लैंग्वेजेस भी होते हैं, एक ट्रेंड भी होता है. आजकल तो ट्रेंड बहुत चलता है, जैसे आपने कहा वायरल चलता है तो ट्रेंड चलता है. तो हम इनवाइट करेंगे हारून खुददाद खेल को बुलाते हैं. आई एम सो सॉरी मैं आपके नाम को इस तरीके से बुला रही हूँ लेकिन आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू. मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो जाती हूँ. आई हैव वेरी गुड टैलेंट. इतने सारे लोग हैं, वैसे एनर्जी नहीं थी. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज विद फुल एनर्जी. या दिस इज नाउ. थैंक यू हारून.
वैसे गाना कैसे लगा आपको? अच्छा लगा, बट वो उसका यही था ना, तुम नहीं गम नहीं, हम नहीं तुम नहीं, तुम नहीं गम नहीं। मैंने तो एक ही चीज सुनी जहाँ पे बोला था कि कौन मरेगा, मरेगा समथिंग वाज देयर, मैंने कहा कि आज सारे जानवर मरेंगे आज कुर्बानी वाली साइड है ना, बट माशाल्लाह आई फील रौनक बहुत लगी हुई है। हम थोड़ी सी बातें करें ऑडियंस से? मुझे रट्टा मारा है करो, करो। सुने, 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 सब सुने। Okay, guys. वो कहते हैं ना आओगे ना इस ईद, सुना है बड़े लोग बड़ी ईद पे आते हैं। ओए होए 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 होए। और अगर नहीं आए तो छोटा। आई नो इट वॉज लेम बट इट्स ओके, नो इट्स गुड, इट्स मुझे तो बेहतर हो, मैं अपना वाला कभी नहीं सुनाने वाली हूँ। चलिए हम हमारे पास एक मेहमान आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। स्माइल तो आपकी बहुत प्यारी है, हमारी ईद वो कहते हैं ना चांद वाली ईद तो नहीं है, लेकिन आपसे हम पहली बात ये है कि थैंक यू सो मच, आप हमारे K2 की स्पेशल ईद सेलिब्रेशन। वैसे कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे आके K2 की जो सेलिब्रेशंस हैं? दुबई में तो आप पहली बार नहीं होंगे ना ईद के लिए? जी, मेरा नाम अब्दुलमजीद मुगल है जी, तो दुबई में 38 साल से हूँ, पहली दफ़ा तो नहीं हूँ। तो सबसे पहले तो मैं K2 के एंकर और सब टीम का बड़ा मशकूर हूँ कि इन्होंने हज़ारा पटवारी इनको सब सेम ही ज़बान है इसको उजागर किया है। मैं पटवार से तल्लक रखता हूँ पिंडी से, तो ईद का मौका है आज, तो कहते हैं कि उधर से चांद तुम देखो, इधर से चांद हम देखें, जब हमारी नजरों से नजरें मिले हमारी ईद हो जाए। क्या बात है। इस मौके से दुबई में रहते हुए पाकिस्तान में आलम इस्लाम पूरी दुनिया में जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको इस ईद के मौके पर ईद उज़्ज़ोहा मुबारक हो, और इस मौके पर ख़ास कर अपने हमसाए रिश्तेदार उनको भी याद करें, और कुर्बानी का ये कुर्बानी की यह ईद है, इस पर आप उनका ख़ास ख्याल रखें। इसके साथ साथ हमारे जो पख्तून भाई हैं इनके लिए भी के जमा रोर और खोर पख्तूनान स्ता सारा अख्तर मुबारक शाह। सही था, बिल्कुल ब्याह बेमन। वेलकम टू हमारे जो शो है, वैसे आपसे पूछना चाह रही हूँ ईद का शो तो आपने पहली बार यहाँ पे अटेंड किया है या पहले भी आए हैं, और कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी, K2 TV में आज सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मैनेजमेंट है पूरी के, उन्होंने हमें ईद के इस पूर्व सरत मौका पे यहाँ सब पाकिस्तानियों को जिनमें पंजाबी हैं सिंधी हैं बलोची हैं कश्मीरी हैं सबको एक जगह पे बैठ के जो है ना अपनी खुशियाँ बांटने का मौका दिया है, और K2 TV की पूरी टीम को मैं जो मुबारकबाद कर। वैसे भी K2 TV जो है कश्मीर में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, इसकी TRP अगर आप चेक करें तो मैं K2 TV की पूरी भी जो टीम है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इतने अच्छे इवेंट पर, कि आज जब हम ईद के इस मौका पर जो है ना अपने फैमिली को बहुत मिस कर रहे होते हैं, लेकिन इस इवेंट में आके मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे मैं अपनी ही फैमिली के साथ जो है वो ईद मना रहा हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। वैसे आपका सूट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, बहुत अपीलिंग था, पूरी क्राउड में आप नज़र आ रहे थे। यहाँ पे हमारे साथ एक और आ जाए, आप यहाँ पे आ जाए, पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दे दें, यू वेरी स्वीट। यहाँ पे इज दिस योर फर्स्ट इवेंट, कैसे लगा यहाँ का दुबई का, एंड थोड़ा सा हमारी K2 जो इवेंट हुआ है इसके बारे में कुछ बता दें। सो एज अ विजिटर मैंने पहले यहाँ ईद मनाई है, लेकिन अभी मैं एज आई हैव मूव्ड ऑन हियर परमानेंटली, सो मैंने बहुत इन्जॉय किया सिर्फ K2 की वजह से ऑनेस्टली। सिंगर्स एग्जैक्टली बहुत अच्छे थे, लाइव जो वॉइस है वो सुनना बहुत मुश्किल से ऐसा मतलब फीलिंग आती है कि आपको इतने ज़बरदस्त वॉइस सुन मतलब आप एक्सपीरियंस करें कि और आप इन्जॉय भी करें। एग्जैक्टली, एंड विदाउट एनी यू नो दैट वॉज नॉट लिप सिंग एट ऑल, और यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मुझे एग्जैक्टली ऐसे ही लग रहा है कि मैं पाकिस्तान में हूँ। थैंक यू, थैंक यू।
हाँ जी अनमोल जी, आई थिंक हम ऐसे करते हैं क्योंकि मौसीकी इतनी माशाल्लाह हमारे पास इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है। मेरे शायरी आजकल आई थिंक ईद पे तो हम लोग सिर्फ मीट को कूटते हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग टैलेंट कूट रहे हैं। एग्जैक्टली ट्रू। हाँ तो किसको बुलाना है? जहांजेब मुगल। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। ये माइक आपका हुआ। एनीवे आपसे हम कुछ अच्छा यू नो वैसे तो आप वैसे भी बहुत अच्छा और एनर्जेटिक गाते हैं लेकिन हमारी जो ऑडियंस है ईद के हवाले से कुछ बहुत मज़ेदार गा लें। मेरे साथ हैं आप लोग। रूठ के ना जाओ गुरी,
बात मान जा गोरी, रूठ के ना जा गोरी, बात मान जा गोरी, ऐसे ना शर्मा, हमसे मिलने तो आ जाओ, हमसे मिलने तो आ जाओ, रूठ के ना जा गोरी, बात मान जा गोरी, ऐसे ना शर्मा, हमसे मिलने तो आ जाओ, हमसे मिलने तो आ जाओ। हमसे छुपाया तूने सबसे कहा है, हमने भी तो सब सुन ही लिया है, हमसे छुपाया तूने सबसे कहा है, हमने भी तो सब सुन ही लिया है, हमसे ना घबरा, हमसे मिलने तो आ जाओ, हमसे मिलने तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बातों से तेरी मेरा दिल नहीं भरता, रात को कहीं मेरा दिल नहीं लगता, एनर्जेटिक। मैं ऑनेस्टली मैं समझ रही थी कि बस एक छोटा सा इधर उधर गा लेंगे, लेकिन दैट वॉज अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी थी। वैसे असवर आप भी कुछ ऐसे आ जाओ वाले गाना गाने? यही सोच रहा हूँ, मैंने अब सोचना शुरू कर दिया है ये। वैसे वैसे एक बात है, देखो सारी लड़कियां उठ गई थी। कितना अरसा हो गया हम लोग को ये शो करते हुए? हाँ। तकरीबन कोई 3 साल तो हो गए ना। बिल्कुल। तो 3 साल हमने इस शो पे गुजारे। हाँ। तो हमारे जमरूद भाई के लिए क्लैप तो होना चाहिए ना। उन्होंने हमें बर्दाश्त किया, तो हमारे भाई के लिए क्लैप होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आई फील ये जो हमारा शो है इस वक्त भी जो एनर्जी लेवल है, वैसे फैमिली तो है ही, लेकिन जो एनर्जी ऐसा लगता है किसी की शादी में हम आए हैं और वहाँ पे खाना भी लगा। खाना खुल गया रजिया, खाना खुल गया, जल्दी खाना खुल गया। इससे पहले कि मेरी नाक और मेरी आंखें और मेरा दिमाग उस तरफ जाए, मैं आप लोगों को लास्ट ईद ऑल्सो हमारे साथ थी, एंड शी इज समबडी हु आई पर्सनली लव, एंड मेरी अच्छी दोस्त भी है, वो शायद मुझे अपना अच्छा दोस्त नहीं समझती होगी, बट माशाल्लाह शी इज अ लॉट ऑफ एनर्जी, वो कहते हैं ना एनर्जी का गुब्बार है। मेरी टॉरस बहन नाजिया अमीन मोहम्मद आ जाएं। वैसे हम लड़कियां एक दूसरे से मिलती है ना, तो एक दूसरे को इतनी कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि हम लड़कों के लिए इंतजार ही नहीं करते। प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच। किसकी शादी में आई हो? मैं अपनी आइंदा होने वाली एक ना एक दिन होगी ना उसकी खुशी में। ऐसे नहीं है कि आसिफ की शादी तो नहीं हो रही ना? आसिफ की शादी में तो नहीं आया ना? कौन है आसिफ? कौन आसिफ? आसिफ Sorry, आसिफ। कोई नहीं, हम लोग नॉर्मली जब शादी की बात होती है ना, K2 में हो, खैबर में हो, तो आसिफ का नाम आता है, आसिफ का नाम जरूर आता है। ओके। वैसे हाउ वाज योर ईद? आज ईद का दिन कैसे गुजरा है? परदेश की ईद तो आप सबको पता है क्या होता है, मतलब ईद तो घर में होती है, घर वालों से होती है, तो परदेश में हम परदेशियों के लिए ईद कहाँ होती है, मगर लास्ट ईद भी खैबर नेटवर्क की वजह से बहुत अच्छी गुजरी थी
और इस बार भी खैबर नेटवर्क की वजह से ही लग रहा है कि ईद है, तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक एक बार फिर से। एंड खैबर नेटवर्क प्लीज ऐसे ही ईद मनाते रहिएगा। कुर्बानी की है जी, कुर्बानी की है अपनी कुर्बानी तो रोज करती हूँ मैं शापर लेके आई हूँ मुझ में से ले लो नहीं माशाल्लाह आपकी एनर्जी तो वैसे भी गानों में बहुत होती है, लेकिन आई विश यू ऑल द लक, क्योंकि ये वाला जो इस बार आप पश्तो में कुछ नहीं गाने वाली हैं, इस बार सिर्फ उर्दू में। थैंक यू सो मच।
शुक्रिया जी. कैसी थी? बहुत ज़बरदस्त थी. मैं अभी यही सोच रही थी कि अक्सर जब आप सिंगर्स को लाइव सुनते हैं तो वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं. यहाँ तक कि अभी जिनकी धुन थी, नाम नहीं लूँगी, समझ गए होंगे आप लोग, उनको भी मैंने लाइव सुना है, बहुत ही बेसुरे लगते हैं वो. उनके फैंस नाराज़ ना हो जाएं आप, लेकिन हाँ. यहाँ पे जितने भी सिंगर्स ने गाया उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और वाकई बहुत उनको सुनकर अच्छा लगा. एट टाइम्स हम लोग ये भी सोचते हैं कि ये लाइव है या एक्चुअली वो लोग लिप सिंक कर रहे हैं. बट दे गुड, माशाल्लाह. एनर्जी भी काफ़ी है. मैं वैसे सोच रही थी कि हमारी यूएई की जो टैलेंट वैसे भी है, नाजी इज़ वन ऑफ देम. ऐसे ही हमारे साथ और भी काफ़ी बैंड्स बैठे हुए हैं. तो ख्याल बैंड हमारे साथ बैठा हुआ है. लास्ट इस महीने हम लोगों ने उनको बुलाया भी था हमारे शो में भी, मेरे शो में, यही दुबई लाउंज में. एंड दे डिड एन अमेजिंग जॉब. इतना अमेजिंग कि हमने सोचा था कि ईद भी इनके साथ मनाएं. तो क्या ख्याल है इनको? तो क्या ख्याल है नाजिया? जहन में अभी तक नाजिया चल रही थी मेरी. रजिया, ये बताएं जरा, हमारे पास थोड़ा और वक्त है इस गाने को सुनने के बाद या हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, यहाँ रात जवां है. ठीक है इसका, क्योंकि जब तक क्लोजिंग से पहले पहले एक व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही पोटेंशियल मैसेज हम दोनों की तरफ जरूर जाना चाहिए. वो करेंगे, लेकिन अब इस वक्त ना मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक की तरफ हूँ. हमारे साथ हैं ख्याल बैंड के अदनान गिलानी और जिशान तारिक. आ जाए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एक एनर्जी के साथ, काफी सारे लोग, क्योंकि आप लोगों को इनका जो इनकी जो म्यूजिक है ना, यू गाइज विल लव इट. ये मेरे शो पे भी आए थे एंड दे हैड अ डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ लीग. अब देखो जिशान अपना गिटार भी लेके आ रहे हैं. जिशान एंड हिज गिटार इज वेरी फेमस. चले इनके लिए फिर जगह खाली करते हैं. ये गिटार, ये वही गिटार है जो आपको गिफ्ट में मिला था? नहीं. हुस्न वाले
वफा नहीं करते, इश्क वाले दगा नहीं करते, जुल्म करना तो इनकी आदत है, अरे ये किसी का भला नहीं करते, जो नजर आर पार हो जाए वही दिल का करार हो जाए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, अमेजिंग सिंगर लव यू हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के बंदे न डालो, काली काली जुल्फों के बंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के बंदे न डालो। न छेड़ो हमें हम सता, इस साइड के लोग तो काफी सताए हुए मुझे लग रहे हैं, ईद पे क्यों सताए हुए आप? बाय द वे ये गाना मैंने जब भी गाया ना तो मुझे कोई काली जुल्फों वाली लड़की नहीं मिली, लेकिन आप बैठी हुई हैं एक्चुअली, यू हैव ब्लैक हेयर्स, सो इट सीम्स। न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो। ओके सो जो सताए हुए बोलना, आपने इतना ऊंची बोलना है कि मेरे से ज्यादा आपकी आवाज आए। न छेड़ो हमें बहुत जख्म सीने पे, न छेड़ो हमें बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, दगाबाज हो तुम सितम डाने वाले, बे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के बंदे न डालो, काली काली जुल्फों के बंदे हमें जिंदा, काली काली जुल्फों। और ये जिनकी काली जुल्फे हैं, आप इस तरह तो होश उड़ाया ना कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यौवन सवर के सामने आया न कीजिए, हमें जिंदा रहने, काली काली जुल्फों के बंदे न डालो, काली काली जुल्फों के बंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। सनु एक पल चैन ना, I want all of you to sing just two lines for me. सनु एक पल आवे सजना तेरे बिना, दिल कमला डूब डूब जावे, दिल कमला डूब डूब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। न जाने कब से उम्मीद कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, न
जाने कब से, न जाने कब से। Can I get your claps on the beat? 1, 2, 3, 4. दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। चाहत ऐसी है ये मेरी बढ़ती जाए, आहट ऐसी है ये मेरी मुझको सताए। यादें गहरी हैं इतनी दिल डूब जाए, और आंखों में ये गम नम बन जाए। ये जो यादें हैं सभी गाते हैं, बुला दो उन्हें मिटा दो उन्हें। अब तो आदत सी गई मुझको ऐसे। थैंक यू सो मच। That was amazing. I know, right? मेरा गला बैठ गया, मैं इतना चिल्ला रही हूँ। मुझे एक्चुअली पानी मंगाना पड़ा। वैसे गाइस, ख्याल हमारा ख्याल बहुत अच्छा है आपके बारे में। True. And it was so energetic. और माशाल्लाह आप लोग की आवाज, the whole performance and अफसरा, thank you very much. You guys rocked the whole show, seriously. एंड उम्मीद कर रही हूँ कि यू गाइज आर ऑल्सो इन्जॉइंग जितना हम इन्जॉय करते। हमारी तो आवाज़ ही चली गई थी। बिल्कुल, मेरी तो आवाज़ ही बैठ गई है। मैंने आई थिंक पहली बार इतना गाया है कैफे के बाहर, मैंने इतना गाया है। नॉर्मली मैं कैफेज में इतना गाती हूँ, लेकिन बिना खाना खाए इतना गाना इज मुझे हजम मिल जाएगा। पता है बड़ी ईद है, सब कुछ मिलेगा। क्या हो गया, खाना खाना। आपको पता है यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? हमारी मोटे चावल। मैं कल रात सोच रही थी और मैंने कल से कुछ नहीं खाया, इसी चक्कर में उसी की लालच में आई हूँ आज। मुझे ईद का शो था, लेकिन आई वॉज लाइक नहीं, जहाँ पे जा रहे हैं ना, मुझे वहाँ पे 400 वाली चावल मिलने वाले हैं। हाँ, वैसे वहाँ से हम लोग वी हैव our next singer, yes, is also from Afghanistan. And मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है वो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत तुम्हारा दोस्त है, हमने साथ में शोज किए। क्या हो गया? अच्छा अच्छा, ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ, मेरा दोस्त है। किधर से आया शोज में? बट लेट्स वेलकम कैस आर्यन, अनदर, वो कहते हैं ना कि एक और हमारी एवीटी चैनल्स का एक जेम भी है, एंड ही हैज एन अमेजिंग एनर्जी। ट्रू, क्लाउड पुलिंग इनकी भी अच्छी खासी है। अच्छा, बात नहीं है, देखते हैं किस किस को पुल करते हैं। देखते हैं, आ जाओ, कम ऑन। कितनी ज्यादा क्लाउड पुलिंग हो रही है।
इसने रोजा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अच्छा मशतूर, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा रहने तो बातें करे, थोड़ा सा बातें करेगा हम इनके साथ थोड़ा सा बातें करेगा। कैसे हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद कैसे गुजरा? मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। वो तो मुझे पता है, वो तो मैं हमेशा देखता हूँ और मैं आपका फॉलोअर भी हूँ। बिल्कुल कमेंट नहीं पढ़ते हो? कभी कभी पूल भेजता हूँ मैं। अच्छा नहीं, शेयर भेजना होता है उस पर मैं बात करती हूँ। वो फिर मैं जमरत साहब से बात करके फिर वो शेयर। नहीं बट ऑन ए सीरियस नोट, मैंने आपको जब पहली बार भी सुना था ना, हमारे जो ईद के शोज होते हैं उसमें पहली बार मैंने देखा था कि इतनी एनर्जी के साथ कोई आया था। थैंक यू वेरी मच। वैसे ईद पे आपका आज स्पेशल क्या है? किसी की याद ने सताया है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, हम ख्यालों में घूमे। आज मैं केटू को एक उर्दू सॉन्ग और भी हम लोग का पाकिस्तान का कराची का एक शायर है तो उसका शेर है, मैं आज चाहता हूँ कि वो गाना, इधर मौका है, दस्तूर भी है और मैं वो गाऊँ आप लोगों के लिए। और सबको ईद मुबारक। आप किसके लिए रो रहे थे? किसके लिए रो रहे थे? इतना ईद वाले दिन किसके लिए रोया जाता है? मुदसर रो रहा था। कैस नहीं रो रहा था, मुदसर रो रहा था। हम लोग ऐसे ही आंसू बहा रहे थे। बट दैट वॉज वेरी नाइस। वो कहते हैं ना कि जब आपको टैलेंट मिलता है उर्दू में, मतलब यू नो यू सिंग पश्तो में, यू सिंग इन फारसी ऑल्सो एंड देन यू सिंग इन उर्दू ऑल्सो, इट्स अमेजिंग। शाम हमारी बहुत रंगीन है, हमारे साथ जितने भी सिंगर्स हैं हर किसी ने अपना अपना टैलेंट इस तरीके से दिखाया है। वैसे असफर वॉज वेरी गुड, इन्जॉय किया ना? पैसा वसूल ना? किसके पैसे थे वैसे? जमरुद भाई। वैसे ये जो पूरी हमारी शाम ऑर्गेनाइज भी हुई है, मैं एक ऐसे शख्सियत को बुलाने वाली हूँ जिनकी, वो कहते हैं ना कि जिनकी पर्सनालिटी आप लोगों ने बहुत देखी होगी सोशल मीडिया पे, उनकी एक अलग ही होल्ड है। आई वुड से ही इज़ लव्ड एंड ऑब्वियसली जब इस रेस्टोरेंट पे मैं आई भी तो सबसे पहले मैंने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल है या नहीं है। तो मुस्तफ़ा कमाल यहाँ पे है तो मैं उनको बुला लूँ। हाय। मैं अकेली कैसे खड़ी हो सकती हूँ? वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सारे, एंड उसके बाद मेरी तरफ से, पाकवादी की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से वेलकम हो गया आप सबका। थैंक यू सो मच। आपकी ईद कैसे गुजर रही है? आप लोग की तो ईद एक्चुअली बहुत ही बिजी होती है। बिल्कुल, जैसे कि पता है ईद वाले दिन हमारा एक काम का दिन होता है, सबकी छुट्टी होती है तो हम उसके लिए रेडी होते हैं कि लोग सारे हमारे पास आएंगे विद फैमिलीज। जी जी। सो वी गेट प्रिपेयर फॉर दैट इंशाल्लाह। अच्छा, नॉट बैड। वैसे मुस्तफ़ा की सबसे मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कोविड के टाइम पे जब पूरी रास्ते भी बंद थे, अबू धाबी के भी रास्ते बंद थे, इन्होंने मुझे कहा कि हम आपके लिए गटे रूजे तैयार रखेंगे, जैसी खुलेगा ना तो आपने सबसे पहले हमारे पास आना है। मैं अबू धाबी का ट्रिप इनकी वजह से मारा था मैंने। यस यस, बिल्कुल मुझे याद है। और आप वो पहली इन्फ्लुएंसर थी जिनको हमने गटियोरी जी भेजे थे, बिकॉज गटियोरी जी ड्यूरिंग कोविड। यस, गटियोरी जी इन्हीं के इलाके से फेमस है, अगर आप उनके बारे में थोड़ा सा बता दें। कुछ नहीं, वो मम्मी बनाती है बस, इतना मुझे पता है। मोटे चावल होते हैं और बड़ी ईद पे तो सबसे ज़्यादा भी बनते हैं क्योंकि उसमें जो गोश्त होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यस बिल्कुल ऐसा ही है। या और आप लोग की स्पेशलिटी है चरसा वाली। हाँ। एनीवे थैंक यू सो मच जफर साहब और आपकी पूरी टीम को केटू की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सच एन अमेजिंग ऑर्गेनाइजिंग इवेंट। खाना मैं अभी खाऊंगी तो फिर उसका फीडबैक अलग दूंगी। डेफिनेटली सारा आप लोग आराम से खाएं और आपकी जरूर चाहिए होंगी अबाउट फूड, सो एंजॉय द इवनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वैसे मुस्तफ़ा भी आ गया, आप मुस्तफ़ा को वैसे देखती हैं? I know him through TikTok actually, मैंने वैसे कभी very funny, very very famous on now. इनकी बेगम भी बहुत प्यारी videos बनाती है। जी नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। तो मुस्तफ़ा नहीं है, चलो मुस्तफ़ा को मैं रखती हूँ, तुम बेगम रख लो। बेगम रख लेती हूँ, भाभी ने आके मारना है मुझे। उनका एक फेमस मुक्का भी है। हाँ भाभी का नहीं, मैं दोस्त हूँ। वैसे अलवीना, हाउ वॉज योर शो, हाउ वॉज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस?
फर्स्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल भी फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं लग रहा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप सबको बहुत पहले से जानती हूँ, और मुझे इसीलिए मैंने हमारी खासियत है, हमारी पूरी टीम की खासियत है कि हम किसी से भी मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं ना कि आप पहली बार नहीं मिल रही है, पहली बार मिलते फिर दोबारा नहीं मिलते, नहीं 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 मतलब हमारी वाइब ऐसी है ना, हमारी एनर्जी ऐसी है कि आप ऐसे लग रहा होता है कि आप सदियों से जानती हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक कनेक्ट करने वाली बात होती है, आप हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते और हर किसी के साथ आपको फैमिली जैसा फील भी नहीं होता। बहुत सारी हमने एंटरटेनमेंट देखी यहाँ पे, आपको गाने सुनाए और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें भी आप दोनों की सुनी व्यूअर्स ने, लेकिन एक मैसेज की तरफ भी जाएंगे। और ये क्या हो रही है, खूब ऐसे क्या बोला हम दोनों, पता नहीं बट एंजॉय किया ना काफ़ी। बस ठीक है ठीक है, ये ऑफ एयर हो सकता है, ऑन एयर नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो अब हम मैसेज की तरफ भी जाते हैं और आप दोनों भी अपना मैसेज शेयर कीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी व्यूअर्स को, वो ये है कि चाहे ईद उल अज़हा हो या ईद उल फितर हो, हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इस ईद का बहुत सारे लोग जो कि इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करते हैं या इस्लामोफोबिया के एक फिनोमिनन से गुजरते हैं, तो वो इसको बहुत कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन वो ये इस मैसेज को ठीक से नहीं समझते। इस ईद का मैसेज ये है कि गरीबों तक खाना, वो गोश्त जो है वो पहुँचाएँ जो उनकी असर रसूख में नहीं है, यानी हर उस बंदे तक गोश्त की एक्सेस होना जो नहीं ख़रीद सकता या जो बंदा माल न्यूट्रिशन से गुजर रहा है उस तक गोश्त जाए, सिर्फ हमारे फ्रिज में या बारबेक्यू के लिए गोश्त ना हो। और दूसरा, इसके अलावा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्प कर सकते हैं दूसरों की करें, और अपनी खुशियां भी मनाएं, दूसरों की खुशियां भी डबल करें, और जो फितराना होता है वो भी कोशिश करें कि ईद से पहले दें ताकि उसका कोई फ़ायदा भी हो। ये वजह मुझे लास्ट ईद पर पता चला था कि फितराना हमने ईद से पहले देना होता है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। मम्मी डैडी वाले बच्चे, बट जैसे इन्होंने कहा है कि ईद के लिए इन्होंने जो मैसेज भी दिया है, आई थिंक इवन रमज़ान में भी हम लोग ये K2 स्पेशली हमारे भी ऐसे ऐसे वी डू हैव ड्राइव्स वेयर वी हेल्प द पुअर ऑल्सो, हम लोग काफ़ी इस चीज़ को बढ़ाते भी हैं, बताते भी हैं, हम सोशल मीडिया पे भी डालें अपनी तरफ से, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वन यू आर अ वेल नोन फेस ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि हम लोग ऐसी ऐसी मैसेजेस पहुँचाएँ। गाना वाना तो हम सब करते रहते हैं, लेकिन एक अच्छी सी लेकिन एक मिसाल भी मैंने, बिल्कुल बिल्कुल, एंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज, एंटरटेनमेंट के साथ जी जी, जैसे कैसरियान अच्छी बातें, जैसे कैसरियान की ऐसे ऐसे करते करते कुछ ना कुछ मैसेज पहुँचा रहा था ना, बिल्कुल। एनी वे, वी हैड एन अमेजिंग टाइम, बहुत अच्छा लगा आप लोग सबके लिए, अपने लिए ज़रा सी तालियाँ बजाएँ क्योंकि यू गाइज वर अमेजिंग। हमें अभी सब, अब मुझे लग रहा है सबको खाना चाहिए, बिल्कुल जल्दी, हाँ हम क्लोजिंग कर लेते हैं। होप आप लोग सबकी ईद भी हमारी तरह ऐसे ही दमाल गुजरे, और लास्ट टाइम की तरह ईद नहीं दी इस बार मुझे दे दें प्लीज, ये एक ओपन मैसेज था ये, exactly. मुझे तो लास्ट टाइम भी नहीं मिली थी, मुझे भी नहीं मिली, अभी मैं शुक्र है यहाँ पे मेरे हस्बैंड नहीं बैठे, बोलेंगे जो घड़ी पहनी वो क्या है। नहीं बट थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं एक हमारे जो धमाल सिंगर हैं, ही ऑलवेज मोस्टली हमारी जो जितनी भी क्लोजिंग्स होती हैं या कोई हम लोग इस तरीके से क्लोज करते हैं कि हम लोग इनके साथ साथ ही हमारी पूरा दिन बन जाए, ठीक है, वील कॉल जानजेब मुगल वंस अगेन, यस। तो हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स को, और क्लोजिंग हम सब की तरफ से अल्लाह हाफिज़। कलंदर अली तम बंदे लंदर हुसैनी लाल कलंदर अली शाहबाज कलंदर लाल मेरी पत रखियो बना झूले लालन लाल मेरी पत रखियो बना झूले लालन जिगरी दा सेर दा सखी शाहबाज कलंदर तम तम मस्त कलंदर अली
चार चराग तेरे बलन हमेशा, अब एक खास सवाल हो जाए।